good morning students welcome back in your maths online class in previous class we were doing the exercise 7f so one question we have left that, left that the question number 4 so let's start use the pictures to write the improper fractions and then convert them into mixed fraction first of all we वी हैव टू राइट द इम प्रॉपर फ्रैक्शन बाई सींग दिस पिक्चर्स यानी हमें इन पिक्चर्स को देख के पहले यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है तो यहाँ पर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दिया है तो इससे आप समझ सकते हो देखिए यहाँ पर वन टू थ्री थ्री पार्ट्स को क्या किया है शेड किया है सो यू कैन राइट वॉट एवर इज शेड तो जो शेड किया है वो हमने लिख, लिख लिया थ्री और ये इम प्रॉपर फ्रैक्शन है दैट मीन्स क्या है न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर आपका छोटा है अब डिनोमिनेटर लिखने के लिए क्या करना है आपको यहाँ पे देखिए ये जो टू है कैसे आपने यानी हर के अंदर कितने कितने हैं हमने तीन को तो शेड किए हैं लेकिन टोटल कितने हैं टू टू के कितने हैं यहाँ पे देखिए कितने हैं ये कितने पार्ट्स हैं मतलब टू टू वाले वन टू है ना वन टू तो जैसे कि एक में कितने हमें लिखना है कि एक में कितने तीन शेड किए लेकिन एक में कितने हैं एक में कितने टोटल वन टू तो हमने यहाँ पे लिखा टू पहले हम ये समझा देते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है उसके बाद आगे मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाना है अब यहाँ पे पहले काउंट करिए शेड नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट जितना पोर्शन आपका शेड है टेन ओके okay? अब हर के अंदर देखिए टोटल कितने थे कितने थे वन टू थ्री फोर तो इन फोर में से इधर भी फोर थे इधर भी फोर थे इधर भी फोर थे, थे लेकिन शेड कितने किए थे टेन लेकिन एक में कितने हैं फोर सो वी विल राइट फोर ओके अब नेक्स्ट में देखिए ये थ्री क्यों लिखा है क्योंकि एक में कितने हैं देखिए वन टू थ्री वन टू थ्री थ्री है तो हमने यहाँ पे थ्री लिखा और टोटल शेडेड कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव ओके तो ये हमारा हो गया फाइव बाई थ्री अब एक में कितने हैं फिर से काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव टोटल कितने हैं फाइव तो हमने यहाँ पे लिखा फाइव ओके okay? अब शेडेड पोर्शन कितने हैं इसमें से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो हमने यहाँ पे लिख लिया नाइन ओके नेक्स्ट अब यहाँ पर एक में कितने हैं वन टू थ्री तो हमने यहाँ पे लिख लिया थ्री और शेडेड कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो ये हमारा हो गया इलेवन बाई थ्री अब इसे हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है मिक्स न्यूमरल में तो मिक्स न्यूमरल के लिए हम हमारे इम प्रॉपर फ्रैक्शन है सो वी कैन डिवाइड दैम इजीली अब यहाँ पे ही देखिए इसने टू को थ्री से डिवाइड किया अब हमें सेकेंड वाले में इसमें ये हमारा टेन डिवाइडेड बाई फोर सो लेट्स ये टेन है हमारा इसको हम लोग फोर से डिवाइड करेंगे तो फोर टू ज एट हमें रिमाइंडर मिलता है टू तो जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं तो जो हमारा डिवाइज़र होता है जिससे हमने डिवाइड किया हमने डिवाइड किया इसलिए ये हमेशा फ़ोर लिखा जाएगा जो हमारा रिमाइंडर आया जो नीचे उसको हम ले जाते हैं ऊपर और जो हमें क्या मिल रहा है क्वेश्चन उसको हम लोग लिख देते हैं तो हमारा आंसर आएगा टू मिक्स फ्रैक्शन में आएगा टू टू बाई फोर ओके नेक्स्ट नंबर हमारा है फाइव बाई थ्री इसके लिए फिर से देखिए फाइव को डिवाइड करना है थ्री से तो जब फाइव को थ्री से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा थ्री वन सा थ्री रिमाइंडर आया टू यानी जब लिखेंगे तो किससे डिवाइड किया थ्री से तो जिससे डिवाइड किया उसको लिखेंगे थ्री रिमाइंडर क्या आया टू जो रिमाइंडर है इसको ऊपर ले जाएंगे टू और क्वेश्चन को लिख लेंगे वन ओके पहले हम लोग कर लेते हैं तो ये हुआ वन टू बाई थ्री तो इसके सामने क्या आएगा वन टू बाई थ्री ओके नेक्स्ट नंबर है हमारा नाइन बाई फाइव कैसे डिवाइड करते हैं नाइन बाई फाइव को ठीक है तो फाइव वन सा फाइव नाइन में से फाइव गए फोर अब किस नंबर से डिवाइड किया था आपने फाइव से और रिमाइंडर क्या आया था फोर ऊपर ले जाएंगे क्वेश्चन कितना है वन तो कितना आएगा वन यहाँ पे फोर बाई फाइव जिसमें ये होल नंबर है और ये क्या है फ्रैक्शन नंबर लास्ट हमारा है इलेवन बाई थ्री तो थ्री थ्री ज़ा नाइन इलेवन में से टू गए नाइन गए टू अब हमारे थ्री से हमने डिवाइड किया टू हमें क्या मिला रिमाइंडर जो ऊपर ले जाएंगे थ्री अब आप इसको वैसे भी करके देख सकते हो जैसे मैंने सिखाया थ्री थ्री ज़ा नाइन नाइन और टू इलेवन तो यानी इलेवन बाई थ्री आया और हमें आंसर भी क्या मिला था इलेवन बाई थ्री ओके तो ये हमारा कितना बना थ्री टू बाई थ्री ओके थ्री थ्री, थ्री ज़ा नाइन और टू इलेवन इलेवन बाई थ्री ओके तो ये तो हमारी एक्सरसाइज सेवन एफ फिनिश हो गई अब यहाँ पर है यूजिंग डिवीजन टू फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ होल नंबर तो ये तो आपको एग्जांपल्स ही हैं लेकिन हम इसको आपको एक एक्सरसाइज के थ्रू समझाते हैं ओके जैसे इसमें हम लोग करते हैं जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा है टू बाई ऑफ सिक्स इस टू बाई थ्री ऑफ़ सिक्स का मतलब ये जो ऑफ है इसका मतलब क्या होगा हमारा यहाँ पर इसका मतलब है ये ऑफ है यानी ये क्या है हमारा डिवाइड क्या हो जाएगा डिवाइड यानी टू इंटू सिक्स को डिवाइड करेंगे थ्री इस ऑफ़ का मतलब ही यहाँ पे है डिवाइड तो इसीलिए देखिए टू का तो ये रखा तो टू डिवाइड यहाँ पर होगा यानी ये तो होगा टू मल्टीप्लाइड बाई ऑफ मतलब सिक्स लेकिन थ्री से तो क्या हो रहा है डिवाइड यानी सिक्स को हमें किस ये है थ्री दैट मीन्स इससे डिवाइड करना है इसको आगे समझेंगे ये जो ऑफ है इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन का साइन यहाँ पर है ना तो इसने इसको करते समय क्या किया यहाँ पे, two तो two है यहाँ पर देखिए टू तो टू है अब ये ऑफ का मतलब multiply, six है मल्टीप्लाई अब ये जो सिक्स है सिक्स और इसको डिवाइड करना है इस थ्री से तो जब टू का तो ये हो गया सिक्स को डिवाइड किया थ्री से तो हुआ टू 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 ज फोर ओके फिर इसको समझिए टू बाई थ्री ऑफ सिक्स यानी ये मल्टीप्लाई का साइन हो गया तो यहाँ पे टू इंटू सिक्स है ना फिर डिवाइडेड बाय थ्री तो इसको कैसे भी किया तो अब इसको हम एग्जांपल से करके देखते हैं देखिए यह है सेवन बाई एट ऑफ ट्वेंटी फोर तो आप क्या करोगे सेवन बाई एट ऑफ ट्वेंटी फोर तो हम लोग क्या करेंगे इसका मतलब है सेवन बाई एट मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फोर ठीक है तो अब ये सेवन बाई एट बाई ट्वेंटी फोर है तो अब आपको एट की टेबल में ट्वेंटी फोर करना है तो एट की टेबल में ट्वेंटी फोर कब आता है एट थ्रीजा ट्वेंटी फोर अब आपके पास ये तो कट गया ये भी कट गया तो सेवन थ्रीजा आपका आंसर आया ट्वेंटी वन अंडरस्टूड एक बार फिर एक देखिए फोर बाई देखिए आपकी बुक में फोर बाई फाइव ऑफ रुपीज़ फिफ्टी ठीक है फोर बाई फाइव ऑफ रुपीज फिफ्टी ठीक है, है ना तो अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब है फोर मल्टीप्लाइड बाई फिफ़्टी और ये फाइव यानी फाइव की टेबल में अब फिफ्टी कब आता है फाइव टेन ज़ा यानी अब हमारे पास टेन फोर ज़ा फोर्टी क्या हुआ टेन फोर ज़ा फोर्टी ओके अब ये है फाइव बाई ट्वेल्व ऑफ वन आवर तो अब ये जो वन आवर है वन आवर में आपको पता है कितने मिनट्स होते हैं सिक्सटी तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर सिक्सटी ठीक है अब ये हो गया मल्टीप्लाई अब ट्वेल्व की टेबल में ट्वेल्व फ़ाइव ज़ा सिक्सटी तो फाइव फाइव ज़ा हमें क्या आया हमारे पास ट्वेंटी फाइव अभी यहाँ देखिए तो असेसमेंट है जब एक एक समझाएंगे आपको तो आपको क्लियर हो जाएगा अब ये है वन बाई थ्री ऑफ फिफ्टीन इसका मतलब है आपको ये जो नीचे का नंबर है इससे इसको नंबर को टेबल में काटना है तो ये कितना होता है आपका थ्री फाइव ज़ा तो अब देखिए इसका मतलब वन फाइव ज़ा तो आंसर आपका आया फाइव ओके okay, अब यहाँ पे देखिए ये फोर्टी एट है और ये ट्वेल्व है तो क्या करेंगे फोर की टेबल में इसको फोर्टी एट है तो हमेशा जो नीचे नंबर है इस नंबर से इस नंबर को आपस में टेबल बोलेंगे तो अब ये देखिए फोर की टेबल में फोर्टी एट कब आता है फोर वन जा और फोर टू ज़ा तो कितना हुआ ट्वेल्व थ्री ज़ा हमें आंसर मिला थर्टी सिक्स ओके अब यहाँ देखिए फाइव बाई एट इंटू फोर्टी एट क्या लिखा है इंटू फोर्टी एट के जी तो हम एट की टेबल में आपको पता है एट सिक्सा फोर्टी एट फाइव सिक्सा कितना हुआ थर्टी ओके अंडरस्टूड अब ये देखिए इलेवन बाई ट्वेल्व इंटू वन आवर इसको समझते हैं इलेवन बाई ट्वेल्व इलेवन बाई ट्वेल्व इंटू वन आवर ठीक है तो अब ये इलेवन बाई ट्वेल्व तो है ही इंटू वन आवर में कितने मिनट्स होते हैं आपके सिक्सटी मिनट्स जो ये इसको कन्वर्ट कर लेंगे अब ट्वेल्व की टेबल में सिक्सटी कब आता है फाइव ज़ा कितना हुआ फाइव ज़ा अब ये इलेवन है और ये फाइव तो इलेवन फाइव ज़ा आपका आंसर हुआ फिफ्टी फाइव ओके तो इसका आंसर होगा हमारा फिफ्टी फाइव मिनट्स क्लियर अब है वन बाई एटीन ऑफ नाइन्टी लीटर ठीक है अब ये नाइन्टी लीटर है ना तो एटीन की टेबल को नाइन्टी कब जाता है फाइव ज़ा है ना एटीन फाइव ज़ा नाइन्टी अब ये वन फाइव ज़ा फाइव लीटर ओके अब यहाँ पे देखिए थ्री बाई फाइव इंटू वन मीटर अब यहाँ क्या दिया वन मीटर अब वन मीटर में कितना सेंट देखिए इसको थ्री बाई फाइव ऑफ वन मीटर अब थ्री बाई फाइव है मल्टीप्लाई वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हंड्रेड ओके और फाइव की टेबल में इसको काटेंगे तो फाइव ट्वेंटीजा ओके तो ट्वेंटी थ्रीजा आपका हो गया सिक्सटी ओके okay? तो हमारा आंसर आएगा सिक्सटी सेंटी मीटर क्लियर अब है थर्टी फाइव हंड्रेड थर्टी फाइव बाई हंड्रेड ऑफ टू किलोमीटर अब आप इसको देखिए थर्टी फाइव बाई हंड्रेड इंटू टू किलोमीटर तो अब टू किलोमीटर तो वन किलोमीटर इक्वल टू होता है थाउजेंड तो टू किलोमीटर इजल टू टू थाउजेंड तो थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड इन टू टू थाउजेंड मैंने आपको पहले भी बताया था जीरो जीरो आपस में कट गए अब कितना बचा हमारे पास जीरो का तो जीरो और थर्टी फाइव टू ज हमारे पास कितना होता है सेवेंटी तो हमारा आंसर क्या होगा सेवन हंड्रेड मीटर ओके नेक्स्ट हमारा है फोर बाई फाइव ऑफ टेन वीक्स अब फोर बाई फाइव ऑफ टेन वीक ठीक है अब एक वीक में कितने डेज होते हैं वन वीक इज इक्वल टू होता है सेवन डेज ठीक है तो सेवन टेनजा सेवेंटी ठीक है तो फोर बाई सेवन ऑफ सेवेंटी ठीक है अब फाइव से सेवन को काटिए तो कितना होगा फाइव सेवेंटीजा फाइव वन सा फाइव और ट्वेंटी तो ये हमारा फोर्टीन ठीक है तो फोर्टीन यहाँ पर आया फोर्टीन तो फोर्टीन फोर्ज़ा आपका होता है फिफ्टी सिक्स डेज ओके नाउ सी चिल्ड्रन आप लोग ये पूछेंगे कि इसमें तो हमने यहाँ पे इसको क्यों चेंज किया सिक्सटी में है ना लेकिन हमने इसमें इसको चेंज नहीं किया है ना और इसमें भी हमने के को हमने के में ही रखा बाकी देखिए वन मीटर को हमने हंड्रेड कर दिया क्यों किया क्योंकि इसने आंसर किस में पूछा था सेंटीमीटर में इसलिए हमें पहले मीटर को किस में कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर में अब यहाँ के था लेकिन आंसर के में ही पूछा था इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया अब यहाँ पे ये वन आवर था लेकिन आंसर पूछा था मिनट में इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया यहाँ पे थर्टी फाइव और हंड्रेड और टू किलोमीटर था आंसर पूछा था मीटर में इसलिए हमने किलोमीटर को किस में चेंज किया मीटर में अब यहाँ पे ये वीक्स था और डेज पूछा था इसलिए हमने वीक्स को किस में कन्वर्ट किया डेज़ में ओके चिल्ड्रन तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है आप लोग इसको करिए हम अगली क्लास में मिलेंगे ओके थैंक यू